हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। हम इस समय ओमकारेश्वर और दर्शन हमारे बहुत बढ़िया हुए हैं ओमकारेश्वर और ममलेश्वर के। उसका वीडियो भी मैं डालूंगा तो आप उसको भी जरूर देखिएगा। इस समय मैं हूँ मार्केट में, यहाँ की ओमकारेश्वर की छोटी सी मार्केट है, बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है। और यहाँ पर कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर आप खाना खा सकते हो। तो मैंने यहाँ के कुछ फूड जॉइंट्स हैं जिनको एक्सप्लोर किया है, उसका वीडियो मैं ये बना रहा हूँ। तो आप नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पर आए उन जगह पे आप खाना ट्राई कर सकते हैं। कुछ जगह पे मैंने खाना खाया है और मुझे वहाँ का खाना अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी जब आप यहाँ पे आएँ तो उन जगह को एक बार जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। तो चलिए आइए अपने इस फूड ब्लॉग की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। ओमकारेश्वर में जो सबसे बेस्ट खाना जहाँ पे है, जो मुझे लोगों ने बताया, वो है गुरु कृपा रेस्टोरेंट का। गुरु कृपा रेस्टोरेंट जब आप ओमकारेश्वर मंदिर की तरफ जाएंगे तो वहीं पर पड़ेगा। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो सीटिंग है ना, वो एयर कंडीशनड है। सो आप अंदर एसी में भी बैठ सकते हैं और बाहर ओपन में भी बैठ सकते हैं। तो चलिए आइए यहाँ का खाना ट्राई करते हैं। ये यहाँ का तंदूर जहाँ पे नान रोटी और सब लगता है, ये देखिए भैया कितने साल पुराना होटल है ये? 3 साल पुराना। ठीक, खाने में हमने मंगवाया है पनीर बटर मसाला और साथ में मंगवाई है हमने तंदूरी रोटी। चलिए आइए यहाँ का खाना टेस्ट करते हैं और आपको बताता हूँ यहाँ का क्या स्वाद है। गुरु कृपा यहाँ का सबसे ओमकारेश्वर का सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट है। मैंने कई जगह खाना खाया पर ऑनेस्टली मुझे उनका खाना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा, बिलो एवरेज था, तो उसको फिर मैंने कवर भी नहीं किया। पर मेरे को लोगों ने बताया कि गुरु कृपा का यहाँ का जो खाना है वो बहुत अच्छा है। इसके दो एक तो खाने अच्छा है, यही इनका हॉल भी एसी है, तो गर्मी में अगर आप हो यहाँ पे गर्मी काफ़ी रहती है तो आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे बैठ के आराम से खाना खाइए। हमने ऑर्डर किया है ये पनीर बटर मसाला और साथ में ऑर्डर किया है तंदूरी रोटी और ये क्या, हमने फैंसी ऑर्डर नहीं किया क्योंकि हमने दिन में फैंसी ऑर्डर किया था तो खाना बहुत ही बेकार था। तो चलिए आइए इसको टेस्ट करके बताता हूँ क्या स्वाद है इसका। लेते हैं रोटी और आपको टेस्ट करके बताऊंगा। खाना बहुत ही अच्छा है इनका, जो हमने दिल से खाया था उससे तो 10 times बेटर है। और सबसे बड़ी बात यह है इनके थाली भी मिलती है, तो अगर आप अकेले आ रहे हो तो आप थाली भी ऑर्डर कर सकते हो। थाली में आपको दाल, मिक्स वेज, पनीर, रोटी, छाछ वगैरह सब मिलती है, और नहीं तो आप आला कार्ट भी ऑर्डर कर सकते हो। हमने आला कार्ट ऑर्डर किया और यहाँ का खाना अच्छा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँ जब भी आप ओमकारेश्वर आएँ एक बार ये गुरु कृपा ढाबा है, यहाँ का खाना जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए आइए अब अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में चलते हैं और वहाँ के खाने को ट्राई करेंगे। गजानन आश्रम मार्केट में यहाँ पे काफ़ी सारे फूड जॉइंट्स भी हैं और खाने पीने की जगह भी हैं। यहाँ पे एक ये श्री श्याम फूड काउंटर है जो आपको यहाँ पे सैंडविचेस, वड़ा पाव, चाइनीज़ ये सब मिल जाएगा। चलिए आइए यहाँ के खाने की प्रिपरेशन को देखते हैं। यहाँ पे आपको चाइनीज़ आइटम भी मिल जाएंगे और स्नैक्स भी मिल जाएंगे। ये क्या बना रहे हो भैया? मंचूरियन ग्रेवी। अच्छा, ये अभी वेज मंचूरियन मिल रहा है। ये भैया ने पत्ता गोभी और शिमला मिर्च इन सब का मिक्सर डाल दिया है। तो ये अदरक लहसुन के साथ बनता है कि विदाउट अदरक लहसुन बनता है? सब बनता है उसमें। ये रहा है। अच्छा, दिखाना जरा इधर। अच्छा, ये आपका अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया है। गार्लिक पेस्ट। हाँ, और ये मंचूरियन फ्राई हो रहा है? जी, मंचूरियन है, केबेज मंचूरियन। अच्छा, तो क्या प्राइस रहता है इसका? ये 110। 110, और कितने पीसेस रहते हैं इसमें? 22 से 23। अच्छा, 22 से 23 पीस। अच्छा, ये देखिए मंचूरियन रेडी हो गया है, ये इसका ग्रेवी रेडी हो गया है,
यहाँ मंचूरियन फ्राई हो रहा है, तो एक बार रेडी हो जाएगा तो फिर आपको मैं बताता हूँ। ये देखिए ये मंचूरियन रेडी हो गया और ये इन्होंने इसमें डाल दिया। इसका प्राइस 110 रुपये है और 110 रुपये में बहुत अच्छी क्वांटिटी है ये। अभी यहाँ पे बन रही है फ्राइड राइस, मंचूरियन रेडी हो गए थे, अब ये फ्राइड राइस बन रहा है। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज डाल दिया है और अब इसमें प्याज चावल डाल करके और फिर सोया और थोड़ा सा विनेगर डाल करके फ्राइड राइस को रेडी किया जाएगा। ब्लैक पाउडर, वाइट पाउडर, ये राइस आ गया है। इसमें नमक डाल दिया गया है, सफ़ेद मिर्च पाउडर, थोड़ा अजीनोमोटो ब्लैक पाउडर और ये ब्लैक पेपर डाल करके और अब ये सोया सॉस डाल करके और इसमें थोड़ा सा जाएगा विनेगर और ये थोड़ा सा कलर एसेंस और ये फ्राइड राइस आपका मोर लेस रेडी हो गया। ये देखिए और स्वाद के लिए घर का मसाला। अच्छा, घर का स्पेशल मसाला है, घर का मसाला स्पेशल। अच्छा, ये इनका भैया का स्पेशल मसाला है और ये आपके फ्राइड राइस एकदम रेडी हो गए हैं। चलिए ये फ्राइड राइस बन के रेडी हो गए हैं और ये रेडी टू सर्व है। ये देखिए, मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि आप ओमकारेश्वर में कहाँ कहाँ रह सकते हैं। तो मैंने उस वीडियो में जो आसपास के होटल हैं, जो आधा किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं ओमकारेश्वर मंदिर के, उन सब होटल के मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स और वहाँ का जो टैरिफ है वो उस वीडियो में डाला है। तो आप जब ओमकारेश्वर आएँ तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वो आपका वीडियो बहुत हेल्प करेगा। गजानन मार्केट में ही ये एक इकलौती शॉप है जहाँ पे आपको मोमोज़ मिलेंगे। तो हम यहाँ पहुँचे थे, तब तक मोमोज़ ख़त्म हो गए। अभी यहाँ पे जो इस समय अवेलेबल है वो है सैंडविच और फ्रेंच फ्राइज। तो ये फ्रेंच फ्राइज बन रहे, क्या प्राइस है भैया फ्रेंच फ्राइज का? फ्रेंच फ्राइज का फुल है 70 और हाफ है 40। अच्छा, 70 का फुल है और हाफ 40 का है। 40। तो अभी ये कितना है, ये हाफ लगा? ये नहीं नहीं, ये तो थोड़ा सा वो अच्छा था तो वो अलग से रखा हुआ है। अच्छा, और सैंडविच का? सैंडविच का सर ये रेट अपने पास मेन्यू रखा रहता है, मेन्यू अच्छा। में सारा रेट लिखा हुआ है। तो ये है इनका मेन्यू, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली, जैसे पिज्ज़ा जो है 120 रुपये से स्टार्ट है और फिर वो 160 रुपये 180 रुपये तक का है। ये देखिए, और फिर सैंडविचेज 60 रुपये से स्टार्ट हैं और गोज़ अप टू 70 रुपीस, और मोमोज़ का प्राइस 50 रुपये 60 रुपये का है। तो काफ़ी इकोनॉमिकल है ये, और आप यहाँ जब भी आए यहाँ का खाना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाई चांस मैं जब आया तब मोमोज़ ख़त्म हो गए थे, तो मैंने सैंडविच ट्राई किया तो बहुत बढ़िया इनका। ये कौन सा सैंडविच है? जी ये वेज सैंडविच है। ये देखिए ये वेज सैंडविच बन रहा है, इसका प्राइस है 70 रुपीस? नहीं सर, 60। अच्छा, इसका प्राइस है 60 और 70 वाला जिसमें चीज़ डल जाता है। जी ठीक ठीक। तो आप यहाँ पे आइएगा और यहाँ पे ये इकलौती शॉप है जहाँ पे आपको मोमोज मिलेंगे। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो उस समय बड़ा मोटिवेशन मिलता है। आपका प्यार बहुत मिल रहा है, आपका जो लाइक्स आ रहे हैं वीडियो पर, कमेंट्स आ रहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो चलिए आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और एक बार दोबारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओमकारेश्वर मार्केट में ये एक और रेस्टोरेंट है, शिव रुद्राक्ष फैमिली रेस्टोरेंट। ये भी रेस्टोरेंट जो है एयर कंडीशन रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे भी एसी हॉल है जहाँ पे आप बैठ के खाना खा सकते हैं। तो जैसे गुरु कृपा रेस्टोरेंट है, सेम उसी फॉर्मेट पे ये वाला रेस्टोरेंट भी है। ये है इनका एसी हॉल। आप जब ओमकारेश्वर मंदिर से बाहर आएंगे तो वहाँ पे एक छोटी सी मार्केट है, उस मार्केट में ज़्यादातर खाने पीने की दुकानें हैं और ढाबे हैं। तो यहाँ पे आकर के आप अपना लंच और डिनर ले सकते हैं, यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी मिल जाता है आपको,
तो आप यहाँ पे अपना खाना पीने का प्रोग्राम कर सकते हैं। यहाँ पे एसी और नॉन एसी रेस्टोरेंट भी हैं, और आप चाहो तो एसी में भी खाना खा सकते हो, और उसके जो चार्जेस हैं वो मेरे ख्याल से सेम ही है जो नॉन एसी के बराबर है। सो आप यहाँ पे आइए और अपना खाने पीने का इंजॉयमेंट कीजिए। यहाँ पे आपको नॉर्थ इंडियन फूड तो मिल ही जाएगा, साथ ही साथ यहाँ का जो लोकल खाना है वो भी आपको मिल जाएगा। ये देखिए आप, रात को यहाँ पे बहुत चहल पहल होती है, काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे, और ख़ासकर जब आप वीकेंड पे आते हो, सैटरडे संडे या जब कोई मेन त्यौहार होता है तो यहाँ काफ़ी रश होता है। यहाँ जो दूसरा और अच्छा रेस्टोरेंट है वो है ये जय माँ अम्बे रेस्टोरेंट। यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है, हमने यहाँ का खाना टेस्ट नहीं किया पर लोगों ने बड़ा सजेस्ट किया था कि आप यहाँ पे भी खाना ट्राई कर सकते हैं। सो आप जब यहाँ पे आएँ तो यहाँ के खाने को भी आप ट्राई कर सकते हैं। मेन मार्केट में यहाँ पे ये श्री श्याम फास्ट फूड कॉर्नर है, और इसके बगल में ये साउथ इंडियन कॉर्नर है। ये दो रेस्टोरेंट यहाँ पे ऐसे हैं जहाँ पे आपको साउथ इंडियन खाने को मिल जाएगा। तो अगर आपका मन डोसा खाने के लिए है, साउथ इंडियन आइटम के लिए, तो यहाँ पे आपको ये साउथ इंडियन आइटम मिल जाएगा। तो आपको सारे साउथ इंडियन यहाँ पे आइटम मिल जाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। ओमकारेश्वर में सुबह नाश्ते में आपको जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चीज़ मिलेगी वो है पोहा। उसके बाद आपको मिलेंगे यहाँ पे समोसे, कचौड़ी और गर्मा गर्म चाय। तो ये यहाँ का टिपिकल ब्रेकफास्ट रहता है। तो आपको यहाँ पे पोहा मिल जाएगा, और जनरली लोग पोहा जलेबी और चाय के साथ देते हैं। तो ये यहाँ का नाश्ता है। तो आप जब यहाँ पर आएँ तो ये यहाँ का जो लोकल नाश्ता है उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। गजानन आश्रम के बिल्कुल सामने ही ये स्वल्पाहार करके शॉप है। यहाँ पे आपको बेसिकली चाय नाश्ते का सामान मिल जाएगा। अभी ये सुबह का टाइम है तो ये यहाँ पे बन रही है चाय, और नाश्ते में है पोहा। इसके अलावा आपको यहाँ पे मिल जाएंगे समोसा और कचौड़ी। क्या प्राइस है समोसा और कचौड़ी का? 15 रुपये का एक है, और पोहा भी 15 रुपये प्लेट। तो पोहा का भी 15 रुपये प्लेट है, और कचौड़ी और समोसा भी 15 रुपये प्लेट है। यहाँ का ब्रेकफास्ट अच्छा होता है, लोगों ने काफ़ी रिकमेंड किया था। तो आप भी जब यहाँ पे आएँ तो यहाँ का ज़रा ब्रेकफास्ट आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये हमने भी यहाँ पे मंगवा ली है, ये एक समोसा और कचौड़ी। चलिए आइए इसको टेस्ट करते और बताते हो क्या स्वाद है। बहुत सुना है इसके बारे में यहाँ पे कि इनका नाश्ता बहुत अच्छा होता है। ये समोसा बहुत गर्म है अंदर से, ये देखिए धुआँ निकल रहा है। समोसे का टेस्ट बहुत बढ़िया, और जो चटनी का स्वाद है ना बहुत ही लाजवाब है। खट्टी मीठी चटनी इन्होंने दी है। यह है कचौड़ी जिसमें ये मूंग दाल की फिलिंग है और आलू का फिलिंग है। ये लेते एक बड़ा सा बाइट। मैंने कचौड़ियाँ बहुत जगह खाई हैं, मथुरा में खाई है, वृंदावन में खाई है, और बाकी पार्ट में भी खाई है इंडिया के। पर जो ये जो फीलिंग है ना, ये बहुत ही बढ़िया फीलिंग है। जैसे रावत की कचौड़ी जयपुर में और मथुरा वृंदावन की कचौड़ी है, ये उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत सॉफ्ट है और मसालेदार नहीं है, बहुत मज़ा आ रहा खाने का। तो आप भी जब यहाँ पर आए, गजानन आश्रम के बिल्कुल सामने है स्वल्पाहार, यहाँ आइए और यहाँ पर ब्रेकफास्ट जरूर कीजिए।
उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये हम आज का जो ये वीडियो है ये चाय पी करके एंड करते हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो, योर होस्ट कपिल धवन इज साइनिंग ऑफ। टेक केयर, गुड बाय।